हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे विकार टॉपिक हिस्ट्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ्स की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनकी शॉर्ट ट्रिक। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं लगातार आपको डेली रीजनिंग मैथ और जीके की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले जितनी भी मैथ्स की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए यहाँ पे लिखा है आपको 2:7 तथा 3:11 में कौन सा अनुपात बड़ा है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा देखिए आपको लिखना है 2/7 और 3/11, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर आपकी 7 की 3 में होगी 21 आएगा, 11 की 2 में होगी तो 22 आएगा। कौन सा बड़ा है? 22, तो 22 बड़ा है, इसका मतलब ये वाली साइड बड़ी है, तो 2/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी ट्रिक्स देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है दिया गया आपको, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, अतः किसी निश्चित कार्य को यह बी से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है, दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। देखिए सबसे पहले कार्य क्षमता का रेशो बना लेते हैं। यहाँ पे ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, इसका मतलब बी का, अगर बी 1 कार्य करता होगा तो ए 3 कार्य करता होगा, तो वर्किंग रेशो का जो इनका है बीच में ए और बी का, तो 3:1 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इतना क्वेश्चन में ही बोला गया कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तो बी की अगर 1 मानी मैंने तो ए की 3 हो जाएगी। वर्किंग रेशो 3:1 आया है तो आपका टाइमिंग रेशो अपोजिट हो जाता है, टाइमिंग रेशो 1:3 हो जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा कार्य करेगा वो कार्य को कंप्लीट जल्दी कर लेगा और जो कम कार्य करेगा उसको वर्क को कंप्लीट करने में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए टाइमिंग रेशो अपोजिट हो जाता है वर्किंग रेशो के। दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी निश्चित कार्य को यह 20 से 60 दिन पहले समाप्त कर लेता है, यानी कि भाई ए जो है वो 20 से 60 दिन पहले कार्य को कंप्लीट कर लेता है, तो मुझे पता चल गया कि ये यहाँ पे केवल 2 रेशो कम करता है, बट एक्चुअल में 60 दिन पहले कार्य को कंप्लीट कर लेता है। भाई मैंने रेशो में देखा, ए और बी का रेशो देखा टाइमिंग का, तो टाइमिंग का रेशो में मेरे को पता चला कि ये केवल 2 रेशो पहले कार्य को कंप्लीट करता है, बट एक्चुअल में तो ये 60 दिन पहले कार्य को कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब इस 2 रेशो के वैल्यू, 2 रेशो के इक्वल आपकी ये 60 दिन हो जाएंगे। अगर 2 रेशो के वैल इक्वल आपकी 60 दिन है तो 1 रेशो के इक्वल कितनी हो जाएगी आपकी 30 दिन। 1 रेशो की वैल्यू आपको 30 दिन मिल गई, तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 दिन की वैल्यू आपकी 30 हो गई, ठीक है, 1 रेशो की 30 हो गई, तो 4 की कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 यूनिट, यानी कि टोटल वर्क आपके पास 120 यूनिट है, दोनों से कंप्लीट कराना है, क्योंकि पूछा जा रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिलकर दोस्तों यानी कि दोनों का टाइमिंग रेशो प्लस करेंगे 4 आएगा, तो आप 120 को 4 से भाग करेंगे तो 30 दिन ही आएगा, तो राइट आंसर आपका 30 डेज हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं आपको हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज आ गई है NTPC JEE और ग्रुप डी के लिए भी। सभी टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इनके प्राइस 149 रुपीज़ रखे गए थे आफ्टर डिस्काउंट, ये डिस्काउंट कोड है, इस कोड का यूज करने के बाद में आप इस टेस्ट सीरीज को 119 रुपये में ले सकते हैं। कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के साथ यात्रा करने में और वापस बिंदु सी जो कि ए और बी के बीच में है तक आने में कुल 26 घंटे का समय लेता है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करिए। सबसे पहले थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक नाव ए से बिंदु बी तक धारा के साथ यात्रा करने में और वापस बिंदु सी जो कि ए और बी के बीच में तक आने में 26 घंटे का समय लेते हैं। मैंने माना ए और बी का दो एक कोई डिस्टेंस होगी इनके बीच की, और ये जो नाव है वो ए से बी तक जाने में और फिर बी से सी जो कि इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे भाई मैंने बीच में रख लिया सी को। देखिए इन्होंने बोला एक नाव ए से बी तक धारा के साथ जाने यात्रा करने और वापस बिंदु सी जो कि ए और बी के बीच में है, तो ए और बी के बीच में सी है यहाँ पे, तो जाने में और वापस यहाँ तक आने में 26 घंटे का समय लगता है, 26 घंटे का समय लग रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इस डिस्टेंस को पूरी की पूरी डिस्टेंस को 2D मानता हूँ, तो ये डिस्टेंस आपकी D हो जाएगी, क्योंकि ये हाफ है,
या फिर मैं इस डिस्टेंस को डी मानता हूँ तो ये पूरी की पूरी डिस्टेंस 2D हो जाएगी, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है ये इन दोनों के बीच की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक कि ये इनके बीच के, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। ठीक है, अब देखते क्या बोला गया। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है यदि धारा की चाल, धारा की चाल दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ करंट हम बोल सकते हैं, यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड ऑफ बोट कितनी रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की चाल निकाल सकता हूँ। डाउन स्ट्रीम की चाल कैसे निकलती है, जब दोनों नाव और धारा एक ही दिशा में जाती है उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और जब नाव और धारा अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो डाउन स्ट्रीम की कंडीशन में तो दोनों को प्लस कर लिया जाता है तो कितना हो जाएगा 14, और अप स्ट्रीम की कंडीशन में इन दोनों की चाल का डिफरेंस ले लेते हैं तो 10 और 4 की चाल का डिफरेंस लेंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों हमें पता है पूरे 26 घंटे लग रहे हैं जाने में और इनके सी तक वापस आने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 26 घंटे लगे हैं। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा भाई, डाउन स्ट्रीम में कितना गए हैं, ये पूरा 2D गए हैं, तो 2D को 14 से डिवाइड कर दूंगा, और अप स्ट्रीम में आने में केवल आधे आए हैं, तो इसका मतलब इस डी को, इस वाले डी को मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे से डिवाइड करूँगा तो 26 घंटे आ जाएंगे। ठीक है, पूरे का पूरा क्वेश्चन आपका एक समझने के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। अगर आपकी समझ में आता जा रहा है तो बहुत ही आसान लग रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है। तो यहाँ पे 2D/14 है प्लस D/6, ये दोनों की दोनों डिस्टेंस थी और इन दोनों की दोनों चालों से मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि भाई डाउन स्ट्रीम में तो पूरा का पूरा गया ना वो, अप स्ट्रीम में केवल 6 आया तो अप स्ट्रीम केवल D लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डिवाइड किया तो 26 के इक्वल आएगा, क्योंकि जाने में और वापस आने में 26 घंटे का समय लग रहा है। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लिया 42 आ गया, तो 6D और 7D हो गया इक्वल 26D के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13D किसके बराबर हो जाएगा, 42 × 26, और D बराबर किसके हो जाएगा, 42 × 26/13, 13 से 2 टाइम जाएगा तो D आ गया आपका 84। तो यानी कि आधी डिस्टेंस आपकी 84 आ गई, और आधी और 84 प्लस कर लेंगे यानी कि 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 168, तो ये 168 किलोमीटर की पूरी डिस्टेंस हो जाएगी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर किसी का कोई भी डाउट बचता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से दुगनी थी, 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से दुगनी थी। तो यहाँ पे मैं ए बी और ए लिखा, और बी की आयु अगर 1 होगी तो ए की आयु दुगनी हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी। और ये कब की बात है, ये 3 वर्ष पूर्व की बात है, यानी कि वर्तमान में अगर ये है, ये वर्तमान में है तो 3 वर्ष पूर्व यानी कि 3 वर्ष पहले की आयु ये हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 83 वर्ष है, 83 वर्ष है। तो 7 वर्ष बाद का मतलब है दोस्तों, अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट में है तो 7 वर्ष इससे आगे जाएगा, तो 7 वर्ष यहाँ पे इनका दोनों का जो सम है एज का वो 83 है। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, देखिए ना ही तो मेरे को पता है 7 वर्ष बाद का रेशो और ना ही मेरे को पता है 3 वर्ष पहले का सम। तो इन दोनों का जब दोनों रेशो आपको पता है 3 वर्ष बाद का और सम पता है 7 वर्ष बाद का, तो इनको मेरे को 1 बनाना होगा। अब रेशो को तो मैं पीछे नहीं हटा सकता, यानी कि आगे नहीं लेके जा सकता, रेशो तो मेरे को पता है 3 वर्ष पहले का, तो इस सम को भी मैं 3 वर्ष पहले का बना लूंगा। और इसको 3 वर्ष पहले का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसमें से 7-7 माइनस करके इसको वर्तमान का बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 वर्ष बाद का है। ठीक है, और फिर ये 3-3 भी माइनस करना पड़ेगा इन दोनों का, तो कुल मिला के इसमें से दोनों के 10-10 वर्ष माइनस करने पड़ेंगे इस 83 में से, तो जो 3 वर्ष पहले का आयु का सम आएगा वो 83 आ जाएगा। फिर से बता देता हूँ, वर्तमान ये है, ये वर्तमान में इनका जो हमें नहीं पता कुछ भी, वर्तमान में ए और बी खड़े हैं, 7 वर्ष बाद का इनका सम पता है, 3 वर्ष पहले का इनका रेशो पता है। तो इस सम को मैं 3 वर्ष पहले का बनाने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो 7 माइनस करूँगा दोनों का 7-7, और फिर दोनों के 3-3 माइनस करूँगा, यानी कि कुल मिला के दोनों के 10-10 साल माइनस करने पड़ेंगे इस 83 में से, तो इस रेशो के इक्वल ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अगर ये 63 2:1 के रेशो के इक्वल बन जाए तो बिल्कुल अपना काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष पहले की आयु आपको 6:3 मिल गई और इस रेशो में इसको डिवाइड करना है 2:1 में। ठीक है, तो अब इन रेशो में हम इस 63 को डिवाइड कर लेंगे, तो इस 63 को जब मैं इस रेशो में डिवाइड करूंगा तो ये मेरे को 3 वर्ष पहले की आयु मिल जाएगी। पूछा जा रहा है वर्तमान की आयु, तो 3-3 फिर प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 63 को अगर मैं 2 और 1 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितनी बार जाएगा 21, यानी कि आपको एक रेशो की वैल्यू 21 मिल गई। अगर ए की मैं बात करूँ तो इसका डबल कर दूंगा तो 42 ईयर ए की एज हो जाएगी 3 वर्ष पहले, बी की एज आपकी 21 ही रहेगी,
दोनों में तीन तीन प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 ये हो गया और ये आपका हो जाएगा 45, तो दोनों की एज जो आएगी 45 और 24 आ जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। भाई 63 को मैंने 2 और 1 के रेशो से डिवाइड कर दिया दोनों को प्लस करके, तो मेरे को एक रेशो की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 3 वर्ष पहले की आयु का समय दोनों का और ये 3 वर्ष पहले की आयु का रेशो है दोनों का, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के बाद में एक रेशो की वैल्यू मिल गई, एक रेशो की वैल्यू 21 मिली है। तो ए की एज निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ए का जो रेशो है एज का वो 2 है, तो 42 आ जाएगा। और यहाँ पे बी का तो 21 है, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही रहेगा। अब ये 3 वर्ष पहले की आयु आई है, दोनों में तीन तीन प्लस कर देंगे तो ये इनकी प्रेजेंट की आयु बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है दो रेलगाड़ी की चाल क्रम 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों रेलगाड़ी एक समान दिशा में जा रही है, तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 5 सेकंड में पार करती है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे जब सबसे पहले आप समझिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। आप मुझे ये बताइए, एक ट्रेन ये जा रही है और एक ट्रेन ये जा रही है, ठीक है। तेज गति वाली ट्रेन में मान लेता हूँ ये वाली है, ठीक है भाई, और इस ट्रेन में एक आदमी बैठा है, ये बैठा। बोला जा रहा है कि ये जो ट्रेन है तेज गति वाली ट्रेन, धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है। अब एक बात मुझे क्लियर करके बताइए, जब ये ट्रेन इस बैठे हुए व्यक्ति को पार करके जाएगी 5 सेकंड में, तो हमें बाकी की ट्रेन से क्या मतलब? बाकी की ट्रेन को छोड़ दीजिए ना, क्योंकि भाई हमें तो केवल सिर्फ इस आदमी के बारे में बताया जा रहा है। अब ट्रेन कितनी लंबी है, ट्रेन को कितनी देरी में पार किया जा रहा है, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि ये इस आदमी को पार करके जा रही है ये ट्रेन, और वो भी 5 सेकंड में। तो इसका मतलब जब भी ट्रेन किसी भी ऐसी चीज़ को पार करके जाती है जिसकी कुछ लंबाई नहीं होती है, तो क्योंकि इस आदमी जो ये ट्रेन में बैठा होगा इसकी तो कुछ लंबाई नहीं, बट ट्रेन की तो लंबाई होगी वो मैं मान लेता हूँ, बट ट्रेन की लंबाई से हमें मतलब भी तो नहीं है ना। तो इसलिए ये जो आदमी इसमें बैठा है हमें इससे मतलब है, और उसकी कुछ लंबाई नहीं होगी, इसकी कुछ लेंथ नहीं होगी। तो ये जब ट्रेन इस आदमी को पार करके जाएगी, तो हम क्या करते हैं, जब भी ट्रेन किसी ऐसी चीज़ को पार करके जाती है जिसकी कुछ लेंथ नहीं होती, तो जो भी ट्रेन की लेंथ होती है उसी को ही हम फिर डिवाइड करते हैं अगर दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट हैं। अब देखिए ट्रेन मूव कर रही है, इसका मतलब जो आदमी इसमें बैठा है ये भी मूव कर रहा है, तो आदमी की जो ट्रेन की चाल होगी ना वो हम आदमी की चाल मान लेंगे, ठीक है। यानी कि जब ट्रेन चल रही होगी तो ये आदमी चल रहा है, इसका मतलब हम ये मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों की चाल का डिफरेंस ले लेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन बन जाता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम ये आती है कि ट्रेन को तो पार कर रही है ना, भाई ट्रेन को पार कर रही है मैं भी मान रहा हूँ, ट्रेन की लंबाई भी होगी वो भी मैं मान रहा हूँ, बट ट्रेन की लंबाई से और चाल से हमें कोई मतलब तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ये बोला जा रहा है कि एक तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी धीमी गति रेल वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तेज गति वाली टाइम निकालने के लिए कितनी देर में वो पार करेगी, तो वो तो हमें बता रखा है, तो यहाँ से हम लेंथ निकाल लेंगे। तो लेंथ ऑफ जो मतलब ट्रेन आपकी तेज चलने वाली ट्रेन है, फास्टर ट्रेन, उसको हम डिवाइड करेंगे दोनों की चाल के डिफरेंस से, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट, दो ट्रेन एक ही दिशा में जाती है तो दोनों की चाल का डिफरेंस लेते हैं, और दोनों एक दूसरे की तरफ को आते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की चाल को प्लस कर लेते हैं। इतना चीज़ आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। दोनों का डिफरेंस है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों टाइम आपको सेकंड में दिया है, इसका मतलब आपको ये मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से आप आ जाएगा 2 से कट करेंगे 9 टाइम और ये जाएगा 10 टाइम, ये आपका आ जाएगा 50/9, ठीक है। अब यहाँ से आपका जो स्पीड आई है वो 50/9 आ गई, टाइम हमें पता है कि वो 5 सेकंड में पार करके जाती है, तो टाइम की जगह आप 5 रख लेंगे, लेंथ हमको नहीं पता तो एल रखेंगे, स्पीड हमारे 50/9 आई तो 50/9 रखेंगे, 9 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 5 आपका इक्वल हो जाएगा L मल्टीप्लाई 9 और अपॉन 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9L बराबर 250 हो जाएगा, और L बराबर कितना हो जाएगा 250 डिवाइड बाय 9, तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगा आपका 27.78 मीटर, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा।
दोस्तों ऐसा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर किसी का कोई डाउट बचता है तो पूछ लेना भाई। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरा करता है, कुल 11 घंटे में समय लेता है, कुल होगा भाई यार ये, ठीक है कुल 11 घंटे का समय लेता है, वह दूरी कितनी है। देखिए एक साइकिल सवार निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा और आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी दूरी को 11 घंटे में कवर कर लेता है। मैंने पूरी डिस्टेंस को ये माना और आधी, अगर डिस्टेंस एक्स है तो दूसरी भी आधी भी एक्स मान लेता हूँ, आधी डिस्टेंस को 6 किलोमीटर प्रति घंटा से और आधी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से और पूरी डिस्टेंस को कवर करने में 11 घंटे लेता है। तो कर लेते हैं हम इसको बिल्कुल जैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर हम मुझे एक्स की वैल्यू पता होती यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैं क्या करता, मैं करता दूरी बटे चाल, क्योंकि समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल ही होता है ना। तो यहाँ पे एक्स को डिवाइड करेंगे 6 प्लस एक्स को डिवाइड करेंगे 5 से और इन दोनों को पार करने में इसको 11 घंटे लेते हैं, तो ये इक्वल रख लेंगे 11 घंटे। यहाँ पे एलसीएम लिया 6 और 5 का 30 आ गया, कितना होगा 5x प्लस 6x और ये किसके इक्वल हो जाएगा 11 के। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, तो 11x बराबर किसके आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 30 और x की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ये x की वैल्यू और टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू मिली है, आधी डिस्टेंस आपको मिल गई, तो टोटल डिस्टेंस आपकी 60 किलोमीटर हो जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए बी तथा सी अलग अलग एक कार्यक्रम 25 दिन 40 दिन एवं 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला 5 दिन तक तथा बी अकेला 10 दिन तक कार्य करके छोड़ देता है, शेष कार्य सी पूरा करता है। यदि कार्य समाप्त करने में कुल मजदूरी 3000 होती है तो उस में सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए जो जितना कार्य करेगा उसको उतना ही हिस्सा दिया जाएगा, ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि जो जितना कार्य करता है उसको उतनी ही सैलरी या उतनी ही मजदूरी दी जाती है। यहाँ पे बोला जा रहा है ए बी सी अलग अलग एक कार्य को 25, 40 और 45 दिन में करते हैं, तो ए 25, बी 40 और सी 45। एलसीएम लिया 1800 आया, टोटल यूनिट वर्क आ गया, ठीक है टोटल यूनिट वर्क आ गया 1800। अब इस 1800 को अगर मैं इससे कराऊं तो ये कितने दिन में करता है 25 दिन में, तो एक दिन में कितना करता होगा 72 यूनिट वर्क। इससे कराता हूं तो 40 दिन में करता है, एक दिन में करता होगा 45 यूनिट वर्क। और इससे कराऊं तो ये करता है 45 दिनों में, तो एक दिन में 40 यूनिट वर्क ये करता होगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ए अकेला 5 दिनों तक तथा बी अकेला 10 दिनों तक कार्य करके छोड़ देता है। ए अकेला 5 दिन तक कितना करेगा 360, बी अकेला 10 दिन तक कितना करेगा 450। तो इन दोनों ने मिलकर 810 कार्य कर चुके हैं। बोला जा रहा है शेष कार्य को सी पूरा करता है, तो शेष कार्य बचेगा कितना, 1800 में से 810 को माइनस करेंगे तो 990 बच जाएगा, 990 बचा आपका, तो ये करेगा सी, क्योंकि शेष कार्य को सी करता है। मेरे को ए का भी पता चल गया, बी का भी पता चल गया और सी का भी पता चल गया, तो यहाँ से आप रेशो निकाल लेंगे, ठीक है 360, 450 और 990, सभी में 0 0 कॉमन है। फिर 3 से कट करेंगे, 12 टाइम 3 से कट करेंगे, 15 टाइम 3 से कट करेंगे, 33 टाइम 3 से 11 बार, 3 से 5 टाइम और 3 से 4 टाइम, 4:5:11 का आपका रेशो बन गया। यहाँ पे आप इस रेशो में आपको ये 3000 डिवाइड करना है। पूछा जा रहा है सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा आप निकाल लेंगे, सी का रेशो कितना है 11 है, तो इसका मतलब सभी का इनका सम करेंगे 5 और 4 9 और 11 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 3000 को आप 20 से भाग करेंगे और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी का हिस्सा आपको आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे कितनी बार जाएगा ये 150 टाइम और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1650, तो 1650 आपका सही आंसर आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सारी वीडियोस और सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपकी कोई भी फीडबैक है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, कोई भी सुझाव रहता है वो भी बताया करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए खुद भी और अपने दोस्तों से भी कराइए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा हूँ मैथ्स रीजनिंग जीके की, और रात को 9 बजे जो आपका जीके का टेस्ट आता है वो तो मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ। उसमें मैं तो रीजनिंग भी अच्छे तरीके से करा रहा हूँ, बट यहाँ पे आपका दिन में अपलोड होती है और रात के टाइम पे बहुत ही छोटी वीडियो होती है 15 से 20 मिनट की, और उसमें आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, बहुत कुछ प्रोवाइड कराता हूँ। तो ऑनलाइन टेस्ट भी होता है वो, तो उसमें आप अपने को जज भी कर सकते हैं कि मैं कितने सही कर पाता हूँ और कितने सही नहीं कर पाता हूँ, तो उसे आप ज़रूर देखा करें। बाकी आप देखें फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप फॉलो कर सकते हैं टॉपिक स्टडी को, टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जाएंगे टॉपिक स्टडी सर्च करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सारी पीडीएफ मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ।
और अगर आपका कोई भी सुझाव है या मेरे से आप डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं, मेरे को फॉलो करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाकर के आप सौरभ मलिक 17 के और सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज जो टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने बताया था, उन सभी टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे को व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकता है, जो मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको ऊपर दिया था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।